ए, हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सिग्नल चल रहा है तो क्या सर पे चढ़ के जाएगी? मैं कैसे भी जाऊँ, जरूरत पड़े तो उड़कर भी जाऊंगी। तेरे जैसे लोगों को ट्रैफिक सेंस होता नहीं है, रोड पे कार लेके आ जाते हैं, इसलिए इतनी ट्रैफिक जैम होती है। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। मेघना चुप रहो। क्यों चुप रहा हूँ मैं? एक दो कौड़ी की सड़ी हुई साइकिल लेके एक हाथ मारूंगा ना, दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ये दो कौड़ी की साइकिल लगती है, ये स्टील साइकिल है, इसकी वैल्यू तुझे पता भी है क्या? इससे ट्रैफिक जैम नहीं होती, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन नहीं होता है, चलाने वाले की एक्सरसाइज हो जाती है। और तेरी खटारा कार से साउंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट हुआ तो डेथ कंफर्म है। और इसी खटारा गाड़ी में बैठ कर एसी चला के अपनी चर्बी बढ़ाना, क्या है क्या तेरे कार में? शट अप। सीधी तरह से साइकिल हटाते हो या नहीं? नहीं हटाऊंगा, जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होता नहीं जाऊंगा। हेलो मेघना की आप क्या लगती हैं? मम्मी हूँ उसकी। तो फिर शॉक लगने वाला है। वो क्यों? आपकी 1234 सोनाटा कार सागर रोड पर रोड रोलर के नीचे आ गई। उस रोड पे कैसे एक्सीडेंट हुआ? क्यों, उस रोड पर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? वो बात नहीं है, मेरी बेटी कार लेके कॉलेज के लिए निकली है। किस कॉलेज में? ए चल ना, कैफेटेरिया चलते हैं। वहाँ तो रोज आते हैं। ए मेघना वहाँ देख। ए कौन हो तुम? अपनी बाप की कार समझ कर लेटे हो क्या? ज्यादा बात मत कर, तेरे बाप की समझ कर ही बैठा हूँ। क्यों, तेरी कार मेरी साइकिल पे चढ़ सकती है, मैं तेरे कार पे बैठा तो क्या हुआ? यहाँ क्यों आए तुम? खुद सीएम साहब अगर आकर मेरी साइकिल को देखेंगे ना, उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तूने मेरे साइकिल की हालत ही ऐसी कर दी है। ये क्या है, लव लेटर है? मेरे दिन इतने खराब भी नहीं चल रहे हैं कि मैं तुझे लव लेटर दूं। तूने जो डैमेज किया है ना, उसका बिल है। ड्रेस कुछ ज्यादा ही शॉर्ट लग रहा है, कितने मीटर में काम चला है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ करेक्ट है, तू छोटे कपड़े पहन या बड़े कपड़े पहन, मुझे क्या करना है, मेरा डैमेज भर। नहीं किया तो? एक बार सोच के बोल। नहीं दूंगी। मेरा बिल पे कर और अपना सेल लेके जा। ए! ओ, एड्रेस चाहिए? ये ले। पीस जोरदार है। हाँ? बहुत सेक्सी रिंगटोन है, बहुत ही चालू होगी वो लड़की। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? आप कौन है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? फोन तुमने किया, उठाया है मैंने, तुम बताओ तो अच्छा रहेगा। यू ब्लडी इज इट 9849209809? तुमने यही नंबर डायल किया है ना? यही है। हाँ तो सही है, ये मेरी बेटी का फोन है, तुमने क्यों उठाया? आहा आहा, रिंग बजे तो उठा लिया। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी बेटी का पति हूँ। इडियट, कौन था जी? तुम्हारा दामाद। हा? मेघना। हाँ? जरा अपना फोन मुझे देना। फोन वो तो फ्रेंड को दिया है। बॉयफ्रेंड को? नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर कौन है वो? इतना सब कुछ हुआ, पुलिस में कंप्लेंट देने की बजाय उसे कॉम्प्लीमेंट में फोन देकर चलिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शट अप, उससे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, उसके पैसे उसके मुंह पे मार दो और फोन लेके आओ। मेरा फोन। मेरा पैसा पूरे देना। हेलो, मुझे सिर्फ 5,300 रुपए चाहिए थे, बाकी के पैसे टिप में रख लो। मुझे टिप रखने की आदत नहीं है, तुम्हारी टिप तुम्ही रख लो। टोटल डिफरेंट है, रेगुलर टेस्ट ही तो है। आइसक्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, वो संपत उसके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। सही कहा, वो ज्यादा घमंडी है। नहीं यार, लड़की के बारे में और प्यार के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सही है। मुझे तो ओवर लग रहा है, उसे कोई लड़की भाव नहीं दे रही होगी ना, इसलिए जिम में उन बच्चों की वो क्लास ले रहा था। लेकिन यार उसने जो भी कहा सच कहा। देख लेना, विद इन 1 वीक उससे आई लव यू नहीं बुलवाया तो मेरा भी नाम मेघना नहीं। हाय, how are you? I'm fine. Okay. Meet my classmates, Anjali and Revathi. Hi. Hi. And he's Varun, my brother's classmate. Raju, अभी तक अमेरिका से नहीं लौटा? Close friend हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए। घर चलिए ना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। Bye. 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 See you. ओ मंदाकिनी, ओए ऐसे 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 नहीं घूमना है, smooth हिलाओ। ऐसे ऐसे हिलाओ। मुझे करने नहीं आ रहा है, जरा पकड़ कर बताइए ना। ओह श्योर, सब कुछ काट दूंगा।
नो कैचिंग नो टचिंग। क्यों, मर्द नहीं हो क्या? देखा, चांस मारा तो पहले तू गाली देता है, चांस नहीं मारा तो वो कहती है तुम मर्द नहीं हो क्या? टेंशन मत ले, तुम मर्द का है, सही तो बोली। Okay, Yes, ma'am. What can I do for you? हम आपका जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। Sure. My package. Daily 1 hour. किस टाइम पर आएंगी? जब मन करेगा तब आएंगे। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। Okay. रोज इसी टाइम पर आएंगे। Thank you. आपको कुछ मदद चाहिए तो बोलो। तुमसे पूछे क्या? नहीं, इनसे मुझसे पूछिए। मैं यहाँ का ओनर हूँ, ये मेरा स्टाफ है, आप आइए, मैं लेकर चलता हूँ। आइए आइए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बेहिचक मुझसे पूछिएगा। क्यों, वो ट्रेनर नहीं आएगा क्या? नहीं, वो हार्डवेयर ओनली फॉर मेंस, मैं सॉफ्टवेयर ओनली फॉर लेडीज। ओह कम ऑन बेबी, चल हट बे। यू सेड बे? हां बे, नो प्रॉब्लम। वैसे फ्रेंडली लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शक्ल देखिए, चल हट। ये कितनी हॉट है ना, लेकिन साथ में घमंडी भी है। कस्टमर्स को ये वो नहीं बोलना है, ताला लग जाएगा। इसके चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम लोग ने देखा गुरु कैसे स्टाइल से उठा? अभी मेरे पास आकर पूछेगा आपको कोई हेल्प चाहिए मैडम, देखना यही बोलेगा। एक्सक्यूज मी। यस। आप लड़की हैं या चेहरे से ही पता चल रहा है, तो ये नुमाइश करने की क्या जरूरत है? कल से आप जब यहाँ आए तो ये टू पीस पहनकर मत आइएगा। इसके लिए अपना फिटिंग मास्टर ही करेक्ट है। इन दोनों की फिटिंग हो जाए तो मजा आ जाए। चल गाओ रे। ड्राइवर जरा कार रुकना। क्या हुआ? संपत, हाय, बस के लिए वेट कर रहे हो? नहीं, प्लेन के लिए। आप अच्छा जोक कर लेते हैं, आइए ना कार में चलते हैं। नहीं मैडम, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, ये रईसों के चोचले मेरी आदत खराब कर देंगे। ठीक है, आप कार में नहीं बैठेंगे तो हम भी बस में जाएंगे। ड्राइवर तुम जाओ। ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। किस लिए? आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। मुझसे मिले हुए तुम्हें एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर ये प्यार कैसे हुआ? सब कुछ जानकर प्यार करे तो वो बिजनेस हुआ ना, लेकिन प्यार तो एक पल में होता है और जिंदगी भर रहता है। लगता है फिल्में ज्यादा देखती हो, हाइट वेट फेस देख के आई लव यू बोलने को प्यार नहीं, टाइम पास कहते हैं, और मुझे तो प्यार से बहुत एलर्जी है। मेरे चक्कर में मत रहो, धोनी या युवराज सिंह को प्रपोज करो, वो तुम्हारे लिए सही है। क्या कर रहे हो? इंटर किया है, इंजीनियरिंग करने वाला हूँ। स्टुपिड। ए, ये क्या पागलपन है? बहुत नरम नरम। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। मुझे चलेगा, बनवा लूंगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बेहतर जगह। क्यों भाई, इसके बॉडीगार्ड है क्या? जो समझना है समझ लो। तू इसके एरिया का है क्या? इसके शहर का भी नहीं हो। तो फिर हमारे बीच में क्या रहा? चल हट। ए भाई, दिखने में तो आप लोग स्टूडेंट्स लग रहे हो, अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? मुझे भाषण मत दे, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तुम जैसों की वजह से ही स्टूडेंट्स का नाम खराब होता है। साले सिंगल पसली, तेरी तो मैं। क्या यार, एक से एक नमूने हैं। लगता है सलमान का चश्मा इसे भी लग गया, जिसे देखो सिक्स पैक्स दिखा के डराने लग जाता है। अबे बिल्डर, तेरे जैसों को मैं तैयार करता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी महंगी टी शर्ट तूने फाड़ दी। तू जल्दी पुलिस को फोन कर,
पुलिस को बुला। हेलो पुलिस स्टेशन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो किसी और की नहीं सुनता। ये किस पिक्चर का डायलॉग? वांटेड का सर। सभी जानते हैं ये लोग इतना फूट फाट गए, क्या हाथ से ही मारा? से नहीं, लात से भी मारा। ए, तू अपने आप को हीरो सलमान खान समझ रहा है क्या? नहीं सर, मैंने तो अपने आप को कभी हीरो नहीं समझा। क्या स्टूडेंट्स को पकड़कर इतनी बुरी तरह से मारते हैं? सर, इन लोगों ने गलती की थी इसलिए। तो सजा देने वाला तू कौन है? अगर इन लोगों ने गलती की थी तो तुझे यहाँ आकर कंप्लेन करनी चाहिए। मैं यहाँ के कंप्लेन करता, उसके बाद अब वहाँ आते तब तक ये लोग भाग जाते। स्पॉट पर ही पनिशमेंट दी तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आई सी, ऐसे ही सब लोग एक्शन लेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? ये पुलिस स्टेशन किस लिए है? क्या बात कर रहे हो सर, चोर और आतंकवादी, इज्जत लूटने वाले, मर्डर करने वाले कितने सारे लोग हैं, आपको उन लोगों को सीधा करना है सर। ओहो, अब कानून को कैसे हैंडल करना ये तुम मुझे बताओ। हाँ हाँ सर, मैडम। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, अ स्वीट किस फॉर यू। यू रास्कल, मेरे सामने मेरी वाइफ को डार्लिंग कहता है और चुम्मा भी दिया सर। आपकी वाइफ कैसी है नहीं पता है, सिर्फ आपके फोन को हाथ लगा के उसे किस किया तो आपको इतना गुस्सा आ गया, और मेरी नजरों के सामने किसी लड़की को कोई मवाली छेड़ेगा तो मुझे कितना गुस्सा आएगा सर। अगर आप अभी मुझ पर हाथ उठाते हैं तो मुझे उनको मारना सही लगा, आप जो चाहें सजा दे सकते हैं। अच्छा फिटिंग मास्टर है रे तू, है ना? हाँ सर, बिना रंज के ही फिट कर दिया। माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम लोग यहाँ लड़की छेड़ते हो, अब तुम लोग छेड़ना भूल जाओगे। ए वेंकटेश राज, इन लड़कियों से कंप्लेन लेके इनको गुंडा एक्ट के तहत सभी को अंदर कर दो, जल्दी करो। ओके सर। नहीं सर, बेचारे स्टूडेंट्स हैं, करियर खराब हो जाएगा, पेरेंट्स को पता चल के तो सह नहीं सकेंगे, छोड़ दीजिए सर प्लीज। अच्छा लगा मुझे, तुम बहुत अच्छे हो। कैसा है ये? गुड, दोबारा ऐसी हरकतें मत करना। जा सकते हो, आप लोग भी जा सकते हो, जा सकते हो। थैंक यू सर। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता। ये गाना कहाँ देखा था? टीवी पे सर। टीवी? सर, जैसा वॉचमैन ने बताया था, ये संपत की आंखें वरुण के मर्डरर से मिलती हैं, आप देख लीजिए। पागल हो गया क्या तू? अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ये लड़का तुझे खूनी दिखता है क्या? तेरा माथा फिर गया है क्या? किसने भर्ती किया तुझे? थैंक यू। बस मैं तो, तुम तीनों लड़कियां साथ में थी, तुम्हारी सहेलियों को छोड़कर तुम्हें क्यों छेड़ा? मैं खूबसूरत हूँ ना इसलिए। नहीं, पूरी चुड़ैल हो इसलिए। इन कपड़ों में तुम पूरी वैम्प लगती हो। इस तरह से अपनी टांगे दिखलाकर चलोगी ना तो राह चलता कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर गलत नजर ही डालेगा, कोई भी तुमसे बोलेगा चलती हो क्या, कॉस्ट्यूम चेंज करो, कल्चर को मत चेंज करो। तू सही कह रही थी, ही इज टोटली डिफरेंट, मुझे ये बहुत पसंद है।